नमन भगवान महावीर स्वामी सभी आचार्य भगवंतों की उपाध्याय श्रमय श्री फूलचंद जी महाराज की आत्म कुल कमल दिवाकर भोले बाबा गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज प्रवर्तनी महासामी श्री पार्वती जी महाराज की प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राजमती जी महाराज की संसारा साधिकों प्रवर्तनी कुन्नी मैया श्री स्वयं कांता जी महाराज की संसार के सभी महापुरुषों की मिले।
वंदन करो श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। उपर्वतनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज की जय। स्वरण सुना गुरनी जी का उपकार बड़ा हितकारी है। ज्ञान की ज्योति अनेकांतवाद के प्रणेता अहिंसा के अग्रदूत मानवता के मसीहा चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। वर्तमान तीर्थंकर महावीर क्षेत्र में विराजमान प्रभु श्री मंदिर स्वामी भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभु महावीर के प्रथम गंधर्व गंधर्व गौतम स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। प्रभुवीर के पाठवश और भाईमान प्रथम आचार्य आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। अंतिम केवली अंतिम मोक्षगामी आर्य जंगू स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में विजय की असली मास्ता के साथ कोटि कोटि भावंदन। सभी उपाध्याय भगवंतों एवं गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। उपर्वर्तनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब एवं उपर्वर्तनी संथारा साधिका गुन्नी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणारविंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ कोटि कोटि भावंदन। उत्तर भारत परवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति मम जीवन बोधनी गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमस्कार करने के अंतर पाठ पर विराजित मेरे संयम पथ पर सहयोगी साधु मंडल उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु माता बहनों, आज पर्वाधिराज परीक्षण का छठा दिन प्रारंभ हो गया है। मेरे बहुत से बहन भाई जप तप शास्त्र श्रवण के माध्यम से इन दिनों की आराधना कर रहे हैं। आज भी उसे धर्म कथा के अंतर्गत अंति दशांक सूत्र की वाणी हम सुने, पर पहले अपने आप को इस लायक बना लें, अपने मन को पूरी तरह से इस वाणी को सुनने के योग्य बना लें। इसके लिए वही भजन की लाइनें हम सब मिलकर गुनगुनाएंगे।
मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा मंगलकारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकट हारी जी नाम प्रभु का प्यारा संकट शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु कृपा से अंत के दशांक सूत्र की वाणी पांचवा वर्ग और पहला अध्ययन चल रहा है और कल आपने सुना, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार द्वारिका नगरी का नाश हुआ। आप देखिए कि वो द्वारिका नगरी, उसका सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि उसका नाश हुआ तो वो शराब का रहा। तो आप ये समझिए कि शराब का कितना दुष्परिणाम है कि जिसने द्वारिका जैसी इतनी बड़ी नगरी का नाश कर दिया। अरे द्वारिका का नाश कर दिया इस शराब ने, तो क्या हमारी गृहस्थी का ये नाश नहीं करेगी? उनकी गृहस्थी कैसे चलती है वो खुद जानते हैं। तो द्वारिका नगरी का इस तरह कल आपने श्रवण किया। तेनम कन्नम वासुदेव सर्वरित्ने मीनांते आये मठम सोचा ये मियारुए अजत्य संपन्ने धनानंद जाली मियाली व्याली पूरी सेन पजुन सामुद दड़ नेमी सच नेमी पभियो कुमारा जैनम चिच्चा किरणम जाप परिमाहिता अरोर नेमी संत्य मुंडा जाप भैया अन्नम अधम्मे अकय पुण्य अजय जावंते हुए मानुषी येसु ये काम भोगेशु मुचिए नो संचाय में अरवो इतने में संतिये जा पहिते। द्वारिका विनाश के समाचार जानकर कृष्ण महाराज को विचार हुआ, अरे धन्य है ये जाने में आली और आदि पूरी सेन वारी सेन श्याम परदुमन अनुरुद्ध सत्य नेमी दृढ़ नेमी आदि यदु कुमार जिन्होंने स्वर्ण रजत धन धान्य सभी का त्याग करके भगवान हरीश नेमी के पास दीक्षा वृत्ति को अंगीकार किया है। मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ जो राज्य राष्ट्रीय अंतपुर और मानवीय काम भोगों में गृद बना हुआ हूँ, आसक्त एवं मूर्छित हूँ और मैं भगवान से दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ। कन्हाई अरहम अरहम ऋष्णेमी कन्नम वासुदेव व्यासी से नूनम कन्ना तब यम अजत्य से उपन्ने दन्नानम दे जाली जाप भैया से नूनम कन्ना आय मटे स्मटे अंतार्थी तम नौ खलु करना एवं भुवं वा भवं वा विषयवा जन्नम वासुदेवा चैता हिरण्यम जाप वैय संति हे केन ठे बनते एवं विचय ने एवं भुवं वा जाव कवि संति कन्हाई अर्घर ठेमी कन्न वासुदेव व्यासी एवं खलु करना सभ्य भी यनम वासुदेवा को भवे नियान कड़ा से नठेनम कन्ना एवं उचई नम एवं भुवं जाप विसंति। भगवान ने कृष्ण को संबोधित करके फरमाया कि हे कृष्ण, क्या तुझे इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि धन्य है जाली आदि यावत मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ? क्या ये बात सत्य है
कृष्ण बोले, हाँ भगवान, ये बात बिल्कुल सत्य है। अरे ये संसार क्या है, ये कितना नश्वर है, संसार कितना असार है, और इस असारता को देखकर किसे वैराग्य नहीं होगा, पर फिर भी मैं दीक्षा लेने में समर्थ नहीं हूँ, ये बात मुझे दुखित कर रही है। जब ये सुना तो भगवान ने कहा, ये कृष्ण, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी होता भी नहीं, और भविष्य में कभी होगा भी नहीं कि वासुदेव घर बार छोड़कर संयम धारण करें। कृष्ण ने पूछा, ये भगवान, वासुदेव संयम धारण क्यों नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने फरमाया कि सभी वासुदेव पूर्व में निदान कृत होते हैं। ये शब्द आया, निदान कृत होते हैं। तो निदान क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि निदान का मोटे शब्दों में अगर देखे तो इसका अर्थ है अपनी करनी को बेच देना। क्या अर्थ है? अपनी करनी को बेच देना। जैसे किसी ने एक व्रत किया, किसी ने एक व्रत किया और सोच लिया कि मेरे व्रत का ये फल हो कि मेरा ये काम बन जाए, तो करनी को क्या कर दिया? अरे व्रत का इतना फल मिलने वाला था जितना आप सोच भी नहीं सकते थे, पर करके आपने ये नियम लेकर प्रतिज्ञा करके मानो अपने करनी को बेच दिया। तो इसी तरह सभी वासुदेव भी क्या होते हैं, वो भी निदान कृत होते हैं, यानी पूर्व भवों में वो भी तपस्या करते हैं, पर तपस्या करने के बाद वो कोई ना कोई निदान कर लेते हैं। जैसे कृष्ण वासुदेव ने भी पिछले भवों में 9000 बेले किए थे। कितने बेले? 9000 बेले किए थे, और साथ ही निदान कर लिया था कि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं सर्ववल्लभ बनूं, तो मैं सर्ववल्लभ बनूं। और आप आज देखते हैं कि आज तक भी कृष्ण महाराज की और कोई भी तस्वीर हो, कोई भी फोटो हो, चाहे बचपन की हो, चाहे गोपियों के साथ हो, सुदामा के साथ हो, या कोई भी फोटो है, तो कृष्ण महाराज की फोटो वो सबको प्रिय लगती है। उन्होंने निदान किया था कि मैं सर्ववल्लभ बनूं। तो यही बात भगवान फरमा रहे हैं कि ये कृष्ण सभी वासुदेव पूर्व में निदान कृत होते हैं, अतः वो उस भव में संयम लेने में समर्थ नहीं होते। मैं आपसे भी कहती हूँ, अरे कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी आगे करोगे तो कभी भी कुछ सोच कर मत करना। दशकालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के 4थे उद्देशक में आता है कि हमने तपस्या करने है तो निज्जर खाए, केवल और केवल कर्म निर्जना के लिए करनी है। किसी भी लक्ष्य को आगे रखकर हमें तपस्या नहीं करनी चाहिए। अरे तपस्या केवल हमारी कर्म निर्जरा के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर निदान कोई कर लेता है तो पूर्व भव में उसे वो जो आगे वाला भव है वो चीज़ तो मिल जाती है, पर वो संयम धारण नहीं कर सकता, उसे मोक्ष नहीं हो सकता। तो यहाँ वासुदेव कृष्ण को भी भगवान ने फरमा दिया कि हे कृष्ण, पूर्व भव में वासुदेव संयम निदान कर लेते हैं, जिसके कारण इस भव में वो संयम ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते। जेनम से कन्ने वासुदेव अरहते एवं यासी आम्र बनते इो काल मासे कालम की चा कहीं गमी सामी कहीं को वज्जी सामी तेनम अर्घारिण्य में कन्ना वासुदेव एवं व्यास एवं खलु कन्ना तुम बारवे ने लिए सुरगी दिवायन कोवण्य प्रियाय अम्मा प्रिय नियर विपहीनो रामीन बल से देनम सदी दायन व्याली अभिमोगे जोई तीन मुखानम पंचनम पंडवानम पंडुराय पुतानम पासम पंडमोरम संपतिये को संभकानने नगो हर पाय अहे पूर्वी शिलापटिये प्रिय वध पच्छाये शरीरे जन कुमारेनम तिखेनम को दंड विपमुखेनम इसुनावा में पाए विद्ये समाने काल मासे कालम किच्चा तच्चाये बालुए प्रभाये पूर्वी चा को वजिहसी तेनम कन्ने वासुदेवे अर्हम अरितनेमी संत्ये आये मट्टम सोचा निस्सम होए जाव जियाए। कृष्ण ने पूछा कि हे भगवान, मैं यहाँ से काल करके, तब भगवान ने फरमाया कि हे कृष्ण, सूरा यानी शराब अग्नि और द्वैपायन श्री गोप के कारण जब द्वारिका का नाश होगा
तब तुम सभी ज्ञाति निजक स्वजनों से रहित होकर राम और बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांचों पांडवों द्वारा बनाई हुई पांडु मथुरा की ओर जाओगे। कौशाम्बर वन में तुम पीताम्बर ओढ़े एक वट वृक्ष की छाया में सोए हुए होगे। तब जर कुमार के द्वारा धनुष से छूटे हुए तीक्ष्ण बाण से तुम्हारा बायां पांव बिंध जाएगा। आपने शायद ये कथानक पहले भी श्रवण किया होगा कि जर कुमार को पता चल गया था कि आने वाले समय में मैं कृष्ण का अंता बन सकता हूँ, कृष्ण महाराज को मारने वाला बन सकता हूँ। इसलिए उसने सोचा कि मेरे से ये पाप ना हो जाए, इसलिए वो जंगल में चला गया था। पर वो क्या जानता था कि जो नियति होती है वो कहीं भी चले जाओ नियति होकर ही रहती है। इधर कृष्ण महाराज भी जब द्वारिका का नाश हुआ तो वो भी किधर चल पड़े, वो भी जंगल की तरफ चल पड़े। और एक दिन वो विश्राम कर रहे थे, पैर के ऊपर पैर रखा हुआ था और उनके पैर के नीचे एक पदम था, वो पदम चमक रहा था। दूर से जर कुमार ने देखा और सोचा कि कोई हिरण है और बाण मारा और बाण कहाँ लगा, कृष्ण महाराज के पांव में लगा। देख लिया जर कुमार को और कहने लगे, अरे जर कुमार, अरे तू जल्दी भाग जा, अगर तू यही खड़ा रहा और किसी ने देख लिया तो तुझे पकड़ लेंगे और ना जाने तेरी क्या हालत करे, अरे तू भाग जा। पर जो ही भागने लगे तो एकदम कृष्ण के मन में विचार आया, अरे ये भाग रहा है, ये जा रहा है, अब जहाँ भी जाएगा तो ये कहता फिरेगा कि मैंने त्रिखंडाधिपति श्री कृष्ण का वध कर दिया। और खड़े हुए उसे मारने के लिए, पर वो जो तीर था वो क्या हुआ, अंदर चला गया और उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब इसका क्या कारण है, हमारे आगम कहते हैं कि अंत मति सो गति और अंत गति सो मति। जैसे गति में हमने जाना होता है अंतिम समय हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। आप देखते हैं कि कई बार कोई व्यक्ति जिसने जीवन भर कभी गुरुओं के दर्शन भी नहीं किए होते, कभी धर्म नहीं किया होता, पर अंतिम समय उसे धर्म याद आता है, वो गुरुओं का स्मरण करता है, गुरुओं के दर्शन करता है, गुरुओं की वाणी सुनता है। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें जिंदगी भर बहुत धर्म किया गए पर जब अंत समय आता है तो वो एक माला भी है ना। इसका कारण यही है कि हमने जैसी गति का बंद किया हुआ है अंतिम समय हमारी मति भी हमारी बुद्धि भी वैसे बन जाती है। तो यहाँ भी क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिखंडाधिपति कृष्ण वासुदेव है और उन्होंने कौन सी गति का बंद किया हुआ था, है ना, तो उन्होंने जिस गति का बंद किया हुआ था अंतिम समय उनकी बुद्धि भी वैसे ही हो गई और जर कुमार को मारने के लिए दौड़े। तो इसी तरह जब उस समय उनकी बुद्धि ऐसी हो गई और उस समय काल करके वो तीसरी बालुका नामक पृथ्वी में उत्पन्न होंगे ऐसा प्रभु ने कृष्ण महाराज के लिए फरमाया। ये जब कृष्ण महाराज ने सुना तो एकदम आर्त ध्यान करने लगे, अरे प्रभु ये क्या, मैं आपका इतना अनन्य भक्त और मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तीसरी पृथ्वी में जाऊँगा। अरे ये तो वही बात हुई कि इतनी बड़ी शरण और नरक का गामी, अरे ऐसी बात हुई कि चिंतामणि रतन हाथ में गए पर मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ, अरे कामधेनु गाय मेरे पास है पर मैं छाछ को तरस रहा हूँ, अरे भगवान ये कैसे हो गया। तो भगवान फरमाते हैं, कन्हाई अर्थात नेमी कन्ना वासुदेव व्यासी मानम तुमम देवान किया हो जाओ जिया एवं करो तुमम देवान किया तचाओ पुड़िया ऊँची लिया अनंतरम ओवट इतना जम्बू दिवे दिवे बारे बसे आग मिसायु सपने पंडेसु जन वेसु सहित वारे नेरे वार समय अमे नाम मारा भविष्यसी तथ तुम बहुम वासय केवन पर्यायम पवनीता सिद्ध ऋषि मुजीति मुचीति परिवान्ति सब दुखान मंतम कृति। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए भगवान विष्णु ने फरमाया कि हे देवान भैया तुम आर्त ध्यान मत करो, तीसरी पृथ्वी से निकलकर इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्गनी में पंडुक जनपद में शत द्वार नगर में अमम नामक तुम बारहवें तीर्थंकर बनकर
बहुत वर्षों तक केवली पर्याय का पालन करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे, यावत सभी दुखों से तुम हीन हो जाओगे। तेनम से कन्या वासुदेवी अरुण टेमी संतिये अयम अट्ठम शौचानी सम अटूट अफोडय फोडिता व गई वगिता तिवली छिंदई छिंदिता श्री नायक करे कृता अरण टेमी वंदई नम श्री वदिता नम सीता तमेव अभिषेक अतिरिता जिन्हें बारवी ने दिए जिन्हें सही दिए तने व गई वगचिता अभिषेक अति रहनाओ बच्चर हुई बच्चर रिता जिन्हें वार्य उठान साला जिन्हें सही सिंहासने ते ने बुआ गति योग जीता सिंहासन दंसी पुरथा भी मुवे निसीए निसीता कुटुंबे पुसे सदा वही सदा विता एवं व्यासी अछामिन हम तुम्हें देवन पिया बारहवीं निरिये सिंहारव जा वो घोषे माना एवं व्यय एवं कलु देवन पिया बारहवीं निरिये दुवालक जो है नाय माए जा पुचक्कम देवलोक हुआए सुरगी दिवायन मूल्य विनाशे हुई सही तम जोनम देवन पिया छई बारहवीं मेरी राया वा जुग राया वा इसरे तलवरे वडम्बिये मांडलिये इभे सेठी वा देवी वा कुमारो वा कुमारी वा अरर इतने में संते मुंडे जाओ पवित्ते तम नम कन्ने वासुदेवे वी सज्जई पच्छा उरस हुई ऐसे आहा पवित्तम वित्तम अनुजाने मया इद्धि सकार समुदये नम यसे निखमनम करे दोचम भी दचम भी गोस्म माने गोसई गोसिता मम एयम आनतियम पच पिनह तेनम ते कुलुंगे बोल से जा पच विनंती भगवान ऋषि भी भगवान से अपने भविष्य का वृतान सुनकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए अत्यंत संतुष्ट हो गए हर्षाभिषेक में भुजा ठोकने लगे पूजा ठोककर जोर जोर से शब्द करने लगे और जोर जोर से हर्ष ध्वनि करके तीन चरण पीछे हटकर सिंह नाद किया। आप सोचिए जिसे ये पता चल जाए कि मेरा आने वाला जो समय है वो इतना उज्जवल है, अरे आने वाले समय में मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगा, मैं तीर्थंकर पद पर शोभायमान होऊंगा, अरे सबसे बड़ा पद मुझे प्राप्त होगा। जिसे ये पता चल जाए, अरे मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं क्या बन जाऊं, मोदी की जगह पीएम बन जाऊंगा, महाराज साहब ने कह दिया कि तेरा भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में अगर तू टिकट ले तो तू क्या बन जाएगा, है तो क्या हो जाएगा, कितनी खुशी होगी, अभी से मंसूबे बांधने सपने लेने क्या चित्र दोगे, शुरू कर दोगे। और यहाँ देखिए कौन सा पद मिल रहा है, तीर्थंकर का पद मिल रहा है, और वो भी कोई बहुत जन्म नहीं लेने हैं, केवल एक जन्म करना है और उसके बाद क्या बन जाना है, तीर्थंकर पद पर शोभित हो जाना है। तो कितनी बड़ी सूचना, और देने वाला भी कौन है। मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिषी की बात गलत हो सकती है पर तीर्थंकर की बात, क्योंकि वो केवली हैं, वो केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले हैं, उनकी बात गलत नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा गे तो बिल्कुल गए कहा गे, तो ये सोचकर वो कृष्ण महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हर्षातिरेक से मानो नाच रहे हैं, और सिंह नाद किया, फिर भगवान को वंदन नमस्कार किया और हस्ती रतन पर आरूढ़ होकर द्वारिका नगरी में अपने महल में आए। हाथी से उतरकर सभा भवन में आकर अपने सिंहासन पर बैठे और घोषणा करने वाले कुटुंबी पुरुषों को बुलाकर इस प्रकार कहा कि ये देवान प्रिया जाओ द्वारका नगरी के सभी त्रिक चतवक और चतवर यानी जो चौराहे होते हैं वहाँ सार्वजनिक स्थानों पर जोर जोर से उद्घोषणा करो कि हे देवान प्रियो इस 12 योजन लंबी और प्रत्यक्ष देवलोक के समान द्वारका नगरी का सूरागिरी वाद्वे पायन ऋषि के कारण विनाश होगा। इस द्वारका नगरी के कोई भी राजा युवराज श्रेष्ठ मंत्री राजा का प्रिय छोटे गांव का स्वामी गृहपति अभिषेक रानी राजकुमार राजकुमारी सेनापति सातवा यानी कोई भी जीव अगर भगवान अर्षनेमी के पास परवर्जित होना चाहता है तो उन्हें कृष्ण वासुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करते हैं। दीक्षा लेने वाले के पीछे जो कोई बाल वृद्ध या रोगी रह जाएंगे उनका पालन पोषण श्री कृष्ण
स्वयं करेंगे। दीक्षा लेने वालों का महान दीक्षा महोत्सव भी कृष्ण महाराज की तरफ से होगा। इस प्रकार तुम्हें शब्दों में ये घोषणा दो तीन बार करके मेरी आज्ञा मुझे वापस करो। कुटुंबिक पुरुषों ने वैसा ही किया और आज्ञा अनुसार कार्य कर दिए जाने की सूचना दी। आप देखिए, जब कृष्ण महाराज को पता चल गया कि मैं तो संयम नहीं ले सकता, कि मैं संयम नहीं ले सकता पर मैं किसी के लिए सहायक तो बन सकता हूँ, तो इसलिए घोषणा करवा दी कि जो भी संयम लेना चाहता है मैं उसके लिए सहायक बनूंगा। आज भी हम देखते हैं बहुत से मेरे श्रावक श्राविकाएं गुनी जी के पास आते हैं और कहते हैं, गुनी जी महाराज साहब, अरे हमारे बच्चे तो दीक्षा नहीं ले रहे, हमारे बच्चों की तो भावना नहीं है, पर अगर कोई दीक्षा ले तो हम उसके धर्म के क्या बनना चाहते हैं? बनते हैं ना, कि हम धर्म के माता पिता बनना चाहते हैं ताकि हम भी इनके संयम मार्ग में सहयोगी बन जाएं। क्योंकि बंधुओं कहते हैं कि जिस घर से एक बच्चा संयम पथ पर निकलता है तो उसके सात कुल क्या होते हैं, सात कुल तर जाते हैं। और दूसरी बात एक और बता दूं कि जिस घर से भी बच्चा संयम पथ पर बढ़ता है उस घर का पुण्य जागृत हो जाता है। कैसे, मैं आपको अपनी बात से बताती हूँ। मेरी दीक्षा को दो तीन वर्ष हुए थे, हम राजपुरा के अंदर थे कि अम्बाला का एक परिवार जो हमारे संसारिक परिवार के बड़े नज़दीक का परिवार था हमारे पास आया और मुझे हंस कर कहने लगा, अरे महाराज साहब मुझे एक बात बताओ कि आपने अपने भाई को क्या दिया है। उनका क्या दिया है मतलब, इनका ऐसी तो कोई बात नहीं, क्या देते हैं हम, तो कहते महाराज साहब आप जब से इस पद पर बढ़े गए तो आपके भाई ने बहुत तरक्की की है, ये बताओ आपने अपने भाई को क्या दिया। तो मैं हंस कर कहने लगी, अरे भैया मैंने तो कुछ नहीं दिया, हाँ उसने मुझे सहर्ष क्या दी है, आज्ञा प्रदान की है। तो अपने आप जब जिन पद के ऊपर, जैसे अब आपके गुरु के अंदर कई हमारे भाई तपस्या कर रहे हैं, कई बहनें तपस्या कर रही हैं, तो उनकी तपस्या के अंदर योगदान किसका है, पूरे परिवार का योगदान होता है। और जो योगदान देते हैं उनके भी कर्मों की क्या हो जाती है, निजरा हो जाती है। अरे कई भाई बहन तपस्या कर नहीं पाते, कहते हैं महाराज साहब करने को मन तो है पर पीछे करने वाला होता है ना, कि पीछे करने वाला कोई नहीं तो हम नहीं कर पाते। तो जो किसी को तपस्या में योगदान देता है उसको भी फल मिलता है, फिर जो किसी को संयम पद पर बढ़ने में योगदान। पर आजकल क्या होता है, ये हर बार होता है कि कोई भी बच्चे को वैराग लगता है ना, जैसे हमें वैराग लगा तो माँ बाप तो समझाते हैं बच्चों को, पर उस समय अड़ोसी पड़ोसी दूरदार के रिश्तेदार भी क्या बन जाते हैं, माई बाप बन जाते हैं, सब समझाने के लिए आते हैं कि अरे ये मार्ग तुम मत अपनाओ। पर यहाँ देखिए वो कृष्ण वासुदेव क्या कह रहे हैं कि कोई भी दीक्षा लेना चाहता है तो मैं उसको क्या करूँगा, आज्ञा भी दिलवाऊंगा, और अगर कोई उसके परिवार में सुरक्षा करने वाला ना हो, कोई काम करने वाला ना हो, कोई धन का साधन ना हो, तो सारी व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, ये उद्घोषणा करवा दी। और इधर क्या हुआ, तेनम सा पमावे देवी अरहर नेमे संजय दम्भम सोचा निसम हट तुट जाविया अरहम ऋतनेमि वंदे नम शिव दिता नम सीता एवं व्यासी सदामिनम वंदे निगंधन पावनम से जयनम तुभे जय जम नवरम देवन पिया कन्नम वासुदेव आपुछामी तेनम अहम देवन ध्यान के मुंडे जाप व्यामी आसम देवन पिया मापड़ी वंदम करें। भगवान के पास से धर्म श्रवण करके श्री कृष्ण की सबसे प्रिय रानी पद्मावती देवी बहुत हरिष्ट हुई, संतुष्ट हुई, बहुत संतुष्ट होकर उसने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान मैं इस निर्गंध प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करती हूँ और रुचि करती हूँ, यह निर्गंध प्रवचन मुझे बार बार इच्छित है, ये वैसा ही है जैसा फरमाते हैं, मेरे मन में वे रागे उत्पन्न हो गया है और मैं कृष्ण वासुदेव से पूछकर आपके पास दीक्षित होने की भावना रखती हूँ। भगवान ने फरमाया कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, पर धर्म कार्य में प्रतिबंध मत करो, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन क्षण भंगुर है। तेनम सा पमावे देवी गम्यम जान पवरम दुरता जेने बार भैया नेरी तेने सह गिये तेने कुआ गचे व गचिता गम्य आओ जान पवराओ
बच्चो रोई ता जने कन्ने वासुदेव तने वग छे वग चिता करियल जाप कट्टू कन्नम वासुदेव व्यासी इच्छामिनम देवन किया दुपेय बनु नाय समाना अरोर इतने भी संतिये मुंडा जाप विसामी आस्वाम देवन किया तेरम से कन्ने वासुदेव कुटुंबिय पुरुष सदा सदाविता एवं व्यासी कृपा में बो देवन किया पौमा वही देवी मतम निखमना भी सियम उवटी विये उवट विता एवं आन किए पच बिने तेनम से कुटुंबिय पुरुष जाप पच बिनंती धार्मिक कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले आठ रथ में बैठकर पद्मावती रानी सरसवन उद्यान से द्वारिका नगरी में अपने महल में आई तब कृष्ण वासुदेव के पास आकर हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे देवान प्रिय यदि आप आज्ञा दे तो मैं भगवान हरिष्णेमी के पास दीक्षित होना चाहती हूँ। आप देखिए कि वो कृष्ण महाराज ऐसे नहीं थे कि अपनों के लिए और दूसरों के लिए और थे। वो जैसे दूसरों के लिए थे वैसे अपनों के लिए थे। आज उन्होंने देखा कि मेरी सबसे प्रिय रानी पद्मावती क्या बनना चाहती है, क्या बनना चाहती है, साध्वी बनना चाहती है। आज हम आप लोगों की तरफ देखे तो आप हमें देखकर तो क्या कहते हो, हाथ जोड़ते हो, अरे माँ सब धन हो आप, अरे धन्य है आपके माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया और आपको दीक्षा की आज्ञा दी। और अगर आपके बच्चे को वैराग लग जाए तो भी धन बनते हो, हैं आज्ञा दे देते हो, हाँ कोई एक माँ दे देगी, लेकिन वैसे तो क्या करते हो बच्चे को पीछे खींच लेते हो। पर यहाँ क्या गए वो भगवान के पास जब वैराग्य हो गया पद्मावती रानी को तो कृष्ण वासुदेव से आज्ञा लेने लगी। तो उन्होंने जैसे सब के लिए कहा था वैसे ही क्या कह दिया कि हे देवन प्रिया जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो। अरे आजकल लोग क्या होते हैं वो अपने लिए और होते हैं और दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। जैसे एक बार की बात है पाँच सात बच्चे खेल रहे थे, अब खेल रहे थे और बच्चे अगर खेल रहे हैं मस्ती कर रहे हैं तो कब क्या कर लें कुछ पता नहीं चलता। अब खेलते खेलते वो एक गधे के पीछे पड़ गए, गधे की पूंछ को पकड़ा और उसे घुमाना शुरू कर दिया और इतना घुमाया कि गधा बेचारा मर गया। अब वो तो खेल रहे थे पर जब गधा मर गया तो वो सब क्या हो गए, डर गए कि ये क्या हो गया। भाग कर जल्दी सब अपने घर आए, अपने माता पिता को बताया कि हमसे क्या हो गया, हमसे गधा मर गया रे। अब माता पिता भी डर गए, अरे हमारे फूल से बच्चे, और इन्होंने पंचेंद्रिय की हत्या कर दी। वो भागे भागे पंडित के पास गए और उनसे पूछा कि पंडित जी हमारे बच्चों से ये गलती हो गई, ये दोष लग गया वे, अब बताइए इसका क्या प्रतिकार किया जाए, क्या इसका पश्चाताप किया जाए। और उसने सोचा पंडित जी ने अरे आज तो बानिए क्या है, आज तो बानिए फंस गए हैं। और कहने लगे अरे ये तो बहुत घोर पाप हो गया, अरे घोर अनर्थ हो गया, अरे ऐसा करो बच्चों से इतना बड़ा पाप लगा के तो तुम्हें दान देना पड़ेगा, अरे इतना चांदी इतना सोना और ना जाने क्या क्या चीज लिखवा दी, इतना तुम्हें दान देना पड़ेगा तब तुम्हारे बच्चे इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। अब उन्होंने बच्चों से पूछा कि कौन कौन बच्चे खेल रहे थे ताकि सबसे सब चीज़ें कलेक्ट की जा सके। अब पूछते पूछते पता चल गया कि खेलने वाले बच्चों में पंडित जी का बेटा संतोष भी खेल रहा था। वो पंडित जी के पास आए और कहने लगे पंडित जी अरे आपका बेटा संतोष भी खेल रहा था, इसलिए ऐसा कीजिए जो दान आपने लिखवाया है उसमें से आपको भी कुछ डालना पड़ेगा, अब आप डालोगे तो ये दान आपको तो नहीं जाएगा, ये किसी और को चला जाएगा। पंडित जी कहने लगे अच्छा मेरा बेटा संतोष भी खेल रहा था तो जरा मुझे पोथी पन्ना दोबारा देखना पड़ेगा। पोथी पन्ना दोबारा खोला और क्या कहने लगे कि पांच सात लड़के और संतोष, क्योंकि उनके बेटे का क्या नाम था, संतोष उनके बेटे का नाम था। क्या कहने लगे कि पांच सात लड़के और संतोष, अरे गधे को मारा कुछ नहीं दोष, अरे जब अपना बेटा है तो दोष क्या हो गया, दोष खत्म हो गया। यानी आज कल ऐसा ही सब करते हैं, पर कृष्ण महाराज कैसे थे, अरे जैसे दूसरों के लिए थे वैसे ही
वो अपने लिए दे। जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय पत्नी पद्मावती को वैराग हो गया और जब उसने आज्ञा मांगी तो कृष्ण वासुदेव ने एकदम कह दिया कि हे देवानुप्रिया, जैसा सुखो वैसा करो। आज के लोग क्या से गए कि वो सोचते तो टन है, सोचते तो टन है, कहते मन है और करते कन है। यानी सोच सोच में वो अपने सारा जीवन लगा देते हैं। पर यहाँ दृढ़ भावना देकर कृष्ण वासुदेव ने कुटुंबिक पुरुषों को बुलाया और पद्मावती के योग्य महान अभिनिष्क्रमण उत्सव की तैयारी करने का आदेश दिया। विनीत सेवकों ने आज्ञा अनुसार सारी तैयारी करके आज्ञा प्रति अर्पित की। तेनम से कन्ने वासुदेवे पौमावई देवी पट्टेम दुरैदुरीता अट सेनम सोवन कल सेनम जा निक मना भी सेनम अभिसिंचय अभिसिंचिता सवालंकार विभूषम करेकृता पूरी सहसवाणी शिव्यम दुरैदुरीता बारवये नेरिय मज्जम अजेरम निकच निकचिता जेने व्रवये पुवैत ने सहस वने उजाने तेने वगचिता सियम ठवई पौमावई देवी सियाओ पच्चर हुई। तेनम से कन्ने वासुदेवे पौमावई देवी पूर्यो कट्टू जने अर्हरित नेमित ने वग छे वग चित्ता अरम रित नेमित तो आयनम का आयनम करे कृता वंदे नमस्ते वदिता नमस्ता यम व्यासि एस नमते मम मैसरी पौमावई नामम देवी इद्दा कंता पिया मनु नाम नामा अभिरामा जीवे उसासा ये नंद जनिया उम्बर कुफंबिया दुल्हा सवन आय की मांग कौन पास ने आए तन्नम अहम देवान पियानम शिशिनी विक्रम दलियामी परिचंतुनम देवान पिया शिशिनी विक्रम आहा स्वम। कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती देवी को पाट पर बिठाया, 108 स्वर्ण कलशों द्वारा उनका स्नान करवाया, अपने हाथों से सारे गहने पहनाए, पुष्य सहस्र वाहिनी पालकी का बिठाया और वैतक पर्वत पर स्थित सहस्र वन उद्यान में गए। पद्मावती रानी शिविका से उतरी तब कृष्ण वासुदेव ने पद्मावती रानी को आगे किया और भगवान के समीप जाकर वंदन नमस्कार कर निवेदन किया कि हे भगवान, ये पद्मावती रानी मेरी अग्र महिषी है। यह मुझे इष्ट काम प्रिय मनोज्ञ मनोमति एवं अभिराम है। जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं रहता, वैसे ही मेरे लिए ये श्वास के समान है। ये मेरे हृदय को आनंदित करने वाली है, उदुम्बर पुष्प के समान। इसका नाम भी सुनना मुश्किल है, फिर दर्शन की तो बात क्या है। परंतु आज ये आपका सदउपदेश सुनकर संसार ऐसे उद्विघन हो गई है, अतः मैं आप देवान प्रिय को यह शिष्य भिक्षा प्रदान करता हूँ, अतः आप इसे स्वीकार करने का अनुग्रह करावें। प्रभु ने स्वीकृति प्रदान की। तेनम से पौमावई देवी उत्तर प्रतिमे दिशि मायम अवकमय वकमिता स्वयमेव आभरणालंकारम अमोयमुता स्वयमेव पंचमुठ्यम लोयम करेकृता जनेव अर्हारित नेमित ने उवा गचे वगचिता रमृत नेमि वंदय नमसे वनिता नमसिता एवं व्यासि आलितेनम वंदे जावधम माख्यम तेनम अर्हारित नेमि पौमावई देवी स्वयमेव पच्चावई स्वयमेव मुंडावई स्वयमेव जखनीय अजाय शिशिनी दलियई तेनम सा जखनी अजा पौमावई देवी स्वयं पौमावई जाव संजमी अवम तेनम सा पौमावई जाव संजमयी तेनम सा पौमावई देवी अजा जाया इरिया समया जाव भूत बम यारिणी तेनम सा पौमावई अजा जखनी अजायंती समाय माई आय कार्य संगाइन अजय जीता बोइन चौदह छठ अठ दस द्वार से माँ सद मास हमने से बहु विवेन दवो का महिंगपानम भावे माने भी रही तेनम सा पौमावी अज्जा बहु पड़ी पुन्नाई विषम वासाई सामन पर आगम पौनिता मासी आय संपानम छो से जो सीता सचिन बताई आय सनाई छेदे छेदिता जस ठाए के लिए नग भावे जाओ तो मठम महारही चरि में उसास निशास सीता। तब पद्मावती रानी ने उत्तर पूर्व के दिशा भाग में जाकर स्वयं गहने आदि उतार कर पंच मुष्टिक लोच किया, सादी वेश धारण किया और वंदना नमस्कार करके प्रभु से निवेदन किया कि हे भगवान, ये संसार जल रहा है, यावत आप स्वयं मुझे परवर्जित करके शिक्षा प्रदान करें। आप देखिए वो वासुदेव की रानी है,
इतने बड़े त्रिखंडाधिपति कृष्ण की रानी है, पर उसे संसारिक चीजों के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है। धन वैभव को उसने एकदम छोड़ दिया है, और आप देखिए आपको छोड़ने में क्या लगता है। अगर हम आपको कह दें कि आप एक समय की चाय भी छोड़ दो तो भी क्या लग जाता है, तो भी कितना जोर पड़ता है। कोई भी कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। अरे देखिए धन वैभव के हम बार बिखरे पड़ेंगे, पर जब लगा कि ये संसार की चीजें क्या है, ये संसार की चीजें असार है, अरे ये साथ में जाने वाली नहीं है, तो एक क्षण के अंदर वो सब कुछ छोड़ दिया। तो आज वो पद्मावती रानी ने भी सारे गहने उतारे, पंचमुष्टिक लोच किया और साध्वी का वेश धारण कर लिया। अरे ये काम वही कर सकता है जो अंदर से जाग जाया करता है, जो अंदर से जाग जाता है उसके लिए संसारी खुदगल वो क्या होते हैं, वो निरर्थक उन्हें लगते हैं। फिर वो आत्मानंदी बन जाता है और आत्मा के अंदर भी आनंद मानता है। तो प्रभु से निवेदन किया और प्रभु ने क्या किया, उस पद्मावती रानी को परवर्जा प्रदान की, उसके कषाय आदि का उसे मुंडन समझाया कि तुमने संयम तो अंगीकार किया ले, तो क्रोध मान माया लोभ को तुम्हें जीतना चाहिए, और यक्षिणी आर्या को शिक्षा शिष्य रूप में प्रदान किया। यक्षिणी आर्या ने प्रवर्जित किया, मुंडित किया और संयम की समाचारी सिखाई, तब वो पद्मावती आर्या इरिया स्मृति युक्त यावत ब्रह्मचारिणी बन गई। पद्मावती रानी ने यक्षिणी आर्या के पास 11 अंगों का दान किया, उपवास बेला केला मास मास का मना दी, विविध तपस्याओं से आत्मा को भावित किया और 20 वर्ष तक प्रज्ञा पालकर एक मास की संलेखना करके अपने प्रयोजन को सिद्ध किया, अर्थात सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। ये पांचवें वर्ष का पहला दिन समाप्त होता है। मुख्य व्योजा छेन तेनम कालम तेन समय न 12वें नेरिये रवैये पोए नंदन मन जाने, तथनम 12वें नेरिये कन्या वासुदेव राया होता, तथनम कन्या वासुदेव गोरी नामक वन्य वर्गा रिटेमी समोसड़े, कन्ने निगये गोरी जा पवाविता, निगया दम का परिसा, पड़ी गया कन्ने भी पड़ी गए तेनम सा, गोरी जा पौमा वही जा निकंदा जाप सीता, एवं गंधारी लखना सुसीमा, जम्बू वही सच मामा रूपणी, आठवीं पौमा वही सरी सावट जेना, उक्के व्यवय नमस तेनम कालम तेनम समय नम 12वें नेरिये रवैये पवे नंदन मनम जाने, कन्ने राया तत्नम 12वें नेरिये कन्नस वासुदेवस पुत्ते जम वही देविये अते संभे नामक कुमारे होता आई, तस्तम संभस कुमार मोह श्री नामक बारिया होता वन्य अरारिणी समोसड़े कन्ने नि गए मूल सिरी भी निगया जाप हमावई नवरम देवन पिया कन्नम वासुदेवम आप उछामी जाप सीधा एवं मूल दत्ता भी। द्वितीय दिन का प्रारंभ होता है। उस काल में द्वारका नामक नगरी, रवेतक पर्वत, नंदन वन उद्यान, कृष्ण महाराज, गोरी नामक पटरानी भगवान का उपदेश सुना, कृष्ण महाराज भी सेवा में गए और उपदेश सुनकर गोरी रानी को वैराग हो गया, संयम अंगीकार किया और पद्मावती रानी के समान सारा वर्णन जानना चाहिए। इसी प्रकार गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा एवं रुक्मणी ये आठों श्री कृष्ण की अग्र मनीषियाँ थी। भगवान से धर्म श्रवण किया और कृष्ण महाराज से सहर्ष दीक्षित होने की अनुज्ञा प्रदान की। सारा वर्णन पद्मावती रानी के समान जानना चाहिए। यावत संयम अंगीकार किया और संलेखना संथारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुई। 9वें दिन का प्रारंभ द्वारका नगरी, कृष्ण महाराज का शासन, अग्रमीषी जामवती के पुत्र श्याम कुमार की रानी मूल श्री ने भी धर्म सुना। श्याम कुमार पहले दीक्षित हो चुके थे, अतः भगवान से मूल श्री रानी ने निवेदन किया कि मेरे ससुर कृष्ण महाराज से आज्ञा लेकर मैं संयम अंगीकार करूंगी। जब संयम अंगीकार किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हुई। मूल दत्ता भी श्याम कुमार की रानी थी। इस प्रकार 10 राज रानियों ने संयम स्वीकार किया और निर्वाण प्राप्त किया। 5वां वर्ग समाप्त होता है। देखिए ये पहले 5 जो वर्ग थे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस अंत के दशांक सूत्र में 2 तीर्थंकर के
समय के महापुरुषों का वर्णन है, एक भगवान अरिष्टनेमी के और दूसरे भगवान महावीर के। तो पहले पांच वर्गों में भगवान अरिष्टनेमी के समय के साधकों का वर्णन है और अंतिम तीन दिनों में प्रभु महावीर के साधकों का वर्णन है। और पहले पांच वर्गों में एक ही परिवार के, क्योंकि ये सारे कौन सा परिवार है, ये हमारे 22वें तीर्थंकर का ही परिवार है, क्योंकि कृष्ण और 22वें तीर्थंकर आपस में क्या थे, चचेरे भाई थे। तो पांच वर्गों में केवल एक ही परिवार के 51 महान पुरुषों के जीवन चरित्र ये सब आपको सुनाने का हमने प्रयास किया। अब छठा वर्ग शुरू हो रहा है। जैनम बंदे छठ सुख्यो नवरम सोलस जैनम नत्ता तंजा मकाई किम किमे चे मोकर पानी ये कासरे के मय धिति धरे चे के लासे हरिचंदने वारद सुदंसन पुन भद सुमन भद सुबैठे मेरे अय मुते लखे अजय नानम तु सोलस्यम। जैनम बंते सोलस जैनम नत्ता परमस अंगस परमस जैनस के अठे बनते एवं कल जम्बो तेनम कारणम तेनम समयनम राय गिरे नेरे गुण सीले चेये सेनिये राया ततनम मकाई नम गावई परिवसई अड्डे जावा परिभुगे तेनम कारणम तेनम समयनम समने भगवा महावीरे आय गरे जा गुण सीलिए जा वीरई परिसा निगया तेनम से मकाई गावई एमी से कहायले दत्ते ताहा पनतिये गंग दत्ते तहे इमो भी जेठ उत्तम कुडुम्बे टविता पुरुष सहेस वाणिय सियाए निकंते जाओ अन गारे जाए इरिया समी जाओ गुत बम यारी तेनम से मकाई अंगारे समनज भग्यो महावीर तहारुआना फेराना अंतिये समाय मायांगे कार्य संगाएंगे जय से समझा कंदर गुण रेनम तवो कमम सोलर स्वासाय पर्याओ तजे विपुले सिद्धे दोचस उखे भ्यो किम किमे भी एवं चेव जा विपुले सिद्धे। छठे वर्ग का प्रारंभ होता है। जम्बू स्वामी निवेदन की शब्दावली में अपने आराध्य सुधर्मा स्वामी से कहते हैं कि हे भगवान हे मेरे ज्ञानदाता हे मेरे ज्ञान की पिपासा को शांत करने वाले मेरे परम उपकारी गुरुदेव आपने पांच वर्गों में जो अध्ययन फरमाए वो मैंने आपके श्रीमुख से श्रवण किए। अब छठे वर्ग में भगवान ने क्या भाव फरमाए हैं आप अपनी मेर की नज़र बरसाते हुए आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। जम्बू स्वामी के प्रश्न करने पर जिज्ञासा रखने पर सुधर्मा स्वामी ने फरमाया कि हे जम्बू सुनिए छठे वर्ग में 16 अध्ययन का निरूपण किया गया है। मकाई किमकम मुद्गर पानी काश्यप क्षेमक धीतिधर कैलाश हरिचंदन वारद सुदर्शन पूरन भद्र सुमनोभद्र सुप्रतिष्ठित मेर अति मुक्त अलक्ष्य। जम्बू स्वामी पूछते हैं कि छठे वर्ग के प्रथम अध्ययन में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जो भाव फरमाए हैं आप भी हम पर कृपा करके हमें बताने का प्रयास कीजिए। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि सरसतने काल के चौथे आरे में राजगिरी नामक एक बहुत खूबसूरत नगर था। उस नगर के उत्तर पूर्व दिशा भाग में यानी ईशान कोण के अंदर गुणशीलक नामक उद्यान था। उस समय सैनिक राजा वहाँ शासन करता था और उस समय वहाँ मकाई नामक गाथापति यानी श्रेष्ठी जन रहते थे जो धनाढ्य ऐश्वर्य संपन्न एवं किसी से भी दबने वाले नहीं थे अर्थात वो निडर थे। इसी समय धर्म का प्रचार करने वाले जीवों का उद्धार करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी का वहाँ पदार्पण हुआ। जो धर्म की आदि करने वाले यावर मोक्ष की अभिलाषा करने वाले थे राजगिरी की जनमेदिनी जिनेन्द्र भगवान का विधान सुन के उनके दर्शन करने और धर्म श्रवण करने के लिए गुणशील उद्यान में समुपस्थित हुए। मकाई गाथापति ने भी सुना तो उन्होंने भी सुना कि भगवान पधारे गए और ऐसे भगवान जिनकी वाणी ऐसी है जो एक बार सुन लेता है
उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। जो एक बार सुन लेता है उसकी अंतर आत्मा जागृत हो जाती है। तो उसने भी विचार किया, अरे बहुत जी लिया, बहुत संसार में रह लिया, बहुत इस नश्वर संसार में आसक्त हो लिया, अरे बहुत देर तक इन नरम गद्दों पर सो चुका हूँ, अब जाता हूँ और भगवान के चरणों में पहुँचता हूँ, उनकी वाणी को सुनता हूँ और वाणी को सुनकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए मन के अंदर पहले ही ये भाव जागृत है। आप अपने आप को टटोलिए, क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि वो दिन धन्य होगा जब मैं भी इस आसक्ति को छोड़ पाऊंगा? अरे आज हम सुनते हैं कि गुजरात के अंदर छोटे छोटे बच्चे क्या ले लेते हैं, क्या बन जाते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे दीक्षित हो जाते हैं। देखने वाले कहते हैं, अरे महाराज साहब इतना छोटे बच्चे, इनको क्या बता के ये कैसे दीक्षित हो गए, अरे कैसे घर बार छोड़ दिया, कैसे माता पिता को छोड़ दिया। तो बंधुओं हमारा भी गुजरात के अंदर जाना हुआ और हमने वहाँ क्या देखा कि हमारे उत्तर भारत के अंदर तो जो कोई करोड़पति भी है ना तो वो अपने आप को क्या शो करता है कि वो क्या है, वो अरबपति है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति भी नहीं है। और गुजरात में चले जाइए, मुंबई में हम गए तो वहाँ जितना बड़ा व्यक्ति है उतना ही क्या है, उतना ही विनम्र है। उनके घरों में भी जाने का मौका मिला लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी देखी और धर्म के प्रति इतनी समर्पणता देखी और इतना त्याग उनके घरों में देखा। उनके घर में चाहे एसी लगा होता है पर सब कोई भी एसी में नहीं बैठता, वो बाहर बरामदे में बैठते हैं। घर में फ्रिज है पर फ्रिज का पानी नहीं पीते, मटके का पानी पीते। यानी हर चीज़ में, ये तो एक दो बातें मैं आपको बता रही हूँ, हर चीज़ के अंदर वो धर्म को आगे रखते हैं। उनके घरों में कंद नहीं बनता, उनके बच्चों को पता ही नहीं कि आलू का टेस्ट कैसे होता है। मुझे याद है हम मुंबई के अंदर गए, धारावी में हम ठहरे हुए थे और वहाँ दो फ्लैटों को मिलाकर स्थानक बनाया हुआ था, यानी पूरी सोसाइटी थी और दो फ्लैटों को मिलाकर स्थानक बना हुआ था। हम भी वहाँ ठहरे हुए थे कि एक बहन आई और कहने लगी, महाराज साहब हाँ कोई खप हो तो बताइए, खप सेवा को बोलते हैं उधर, कि कोई हमारे लायक सेवा है तो बताइए। हमारे एक महाराज साहब का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, हमने कहा बहन गोची को भी साथ में आ जाएंगे, अगर खिचड़ी की जोगवाई मिल जाएगी तो महाराज साहब की तबीयत जो रहा स्वस्थ है। तो उसने कहा कोई बात नहीं महाराज साहब और कुछ बताइए। हमने कहा नहीं नहीं बाकी जो आपके घर में बना होगा वो हम ले लेंगे। नहीं महाराज साहब कुछ बताइए। हमने कहा नहीं बहन जो आपके घर में बना होगा वो हम ले लेंगे। उसने कहा महाराज साहब जो हमारे घर में बना है वो तो आप नहीं ले पाओगे। हमने कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहने लगी महाराज साहब आज हमारे घर में नॉन जैन भोजन बनेगा। अब हम पंजाबियों ने तो नॉन जैन कभी सुना ही नहीं, हमने तो नॉन वेज सुना। हमने कहा अरे बहन नॉन वेज, अरे नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। उसने कहा महाराज साहब सुनो तो सही मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आज हमारे घर में नॉन जैन भोजन बनेगा। मैंने कहा बहन वो क्या होता है? कहते महाराज साहब अभी चतुर्मास शुरू होने वाला है और चतुर्मास में हम अपने बच्चों को कोई भी जमी कंद नहीं देते। तो मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मा चतुर्मास बैठने वाला है आज तो आलू बना लो। तो आलू को भी क्या समझते हैं, और हमारे पंजाबियों की कोई भी सब्जी आलू के बिना है? हमने नियम कर लिया, लोग कहते हैं महाराज साहब आलू का नियम कर लिया अब क्या बनाए, है ना? तो त्याग वहाँ पर घरों से शुरू होता है, इसलिए कोई साधना पथ पर बढ़ जाता है तो उसको लगता ही नहीं। माँ बाप बच्चे के अंदर शुरू से ही ये शिक्षा डालते हैं कि बेटा जिन शासन ने हमें इतना दिया है, जिन शासन ने हमें इतना स्टेटस दिया है, आज आप कहीं भी चले जाओ, हम संत सड़क पर चलते हैं तो बड़े से बड़े संत जो रथ पर भी जा रहे होते हैं वो भी हमें देख कर रथ से नीचे उतर जाते हैं। बड़े बड़े ग्रंथी हमने देखे हैं, प्रवचनकार देखे हैं, अगर हम पैदल चल रहे हैं वो गाड़ी में चल रहे हैं तो गाड़ी से उतर जाएंगे और हमें क्या करेंगे, हमें भी वंदना करेंगे। इसका ये स्टेटस, ये त्याग का जीवन है। तो वहाँ भी घरों के अंदर की ये त्याग की भावना बच्चों के अंदर डाल दी जाती है तो बच्चे एकदम संयम पथ पर आरूढ़ हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बच्चों की छोटी से छोटी ज़रूरत, छोटी से छोटी जिद क्या करते हैं, बच्चा थोड़ा सा रोता है
और हम छठ जो मांगता है वो दे देते हैं। मुझे याद आ रहा है, हम पालीताना जा रहे थे, पालीताना की चढ़ाई जो बहन जानते होंगे कि लगभग कितनी सीढ़ियाँ हैं, 3500 सीढ़ियाँ हैं। हम भी चढ़ रहे थे और हमारे साथ एक परिवार चढ़ रहा था, उनके साथ उनका 4 या 5 वर्ष का बच्चा होगा, वो भी चढ़ रहा था। और थोड़े ऊपर चढ़ा, वो सब सूचे मुँह जाते हैं ऊपर, तो बच्चा कहने लगा, मम्मा मुझे प्यास लगी है। कहा, कोई बात नहीं बेटा, पहले दादा के दर्शन करेंगे फिर पानी पिएंगे। थोड़ा और ऊपर चल पड़े, फिर उस बच्चे ने कह दिया कि माँ मुझे बहुत प्यास लगी है। उसने माँ ने फिर कहा, बेटा कोई बात नहीं, बस दादा के दर्शन करके पी लेंगे। और हम हंसने लगे कि अगर कोई पंजाबी माँ होती ना तो वो छुपा के बच्चे के लिए क्या ले जाती है, ना सही कह रही हूँ ना। ये मत समझो कि आपको ज़्यादा प्यार है बच्चों से, उन्होंने नहीं है, अरे उन्हें भी प्यार है, पर वो बच्चों को धर्म के प्रति क्या प्रदान करते हैं, एक दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। तो वो दृढ़ता कब आती है, जब हम घर से ही बच्चों को वो संस्कार देते हैं। जैसे आजकल पॉल्यूशन चल रहे हैं, जरा हाथ खड़ा कर देना किन किन घरों में सब्जी नहीं आती। चलो शाबाश, बहुत अच्छी बात है, पर कई बार हम कई घरों में सुनते हैं कि महाराज साहब क्या करें, बच्चा कुछ खाता नहीं, वो तो सिर्फ आलू ही खाता है, तो हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे एक बार ऐसे ही समालखा के अंदर हमारा चतुर्मास था, और चतुर्मास में पर्युषण के दिन आ गए, महाराज साहब ने नियम करवा दिया कि इन 8 दिनों में हरी सब्जी नहीं खानी, यही नियम करवाते गए ना, तो सबने हाथ जोड़कर कर लिया। और महाराज साहब गोची के लिए गए तो उस घर में क्या बने हुए थे, आलू बने हुए थे। महाराज साहब ने कहा, अरे बहन तुम रोज प्रवचन में आती हो, तुमने मेरे सामने नियम भी किया था और ये क्या बनाए हैं। अरे महाराज साहब हमने नियम पाल रहे हैं आपका। अरे नियम पाल रहे हो, ये तो तुमने आलू बनाए हैं। अरे महाराज साहब आपने तो हरी सब्जी का नियम कराया था और आलू क्या है, तो ये क्या है, ये त्याग की हंसी मजाक है। लेकिन जिन घरों के अंदर त्याग है, समझ लेना उन घरों में धर्म बचा हुआ है। तो यहाँ भी वो मकाई गाथापति ने क्या सोचा कि मैंने बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत ओढ़ लिया, अब मुझे क्या जाना है, मुझे सत पथ पर बढ़ना है, मुझे संयम पथ पर बढ़ना है। अरे मेरा वो भाग्य कि भगवान बधारेंगे, वो चल पड़े, भगवान से उपदेश सुना और उपदेश सुने वे राखी हो गया। और भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को यानी अपने बड़े पुत्र को मैं कुटुंब का भार सौंप कर परवर्जित होना चाहता हूँ। प्रभु ने फरमाया कि जैसा सुखो वैसा करो, पर धर्म के कार्य में परमाद मत करो। आप देखिए प्रभु पग पग पर एक ही संदेश दे रहे हैं कि धर्म कार्य में परमाद मत करो। अरे हम भी आपसे यही कहते हैं कि शुभ कार्य करने का अगर मन में विचार ही उठ जाए तो ये मत समझ लेना, ये मत सोच लेना, अरे कोई बात नहीं कल कर लूंगा। जो शुभ काम का विचार उठे उसे तो उसी समय कर लो, और जो पाप कार्य का विचार उठे उसे कब छोड़ दो, उसे कल पर छोड़ दो। तो यहाँ पर भी भगवान ने फरमाया कि धर्म कार्य में परमाद मत करो। और मकाई ज्येष्ठ पुत्र को कुटुंब का भार सौंपा और उससे पूछकर उससे आज्ञा लेकर परवर्ज्या के लिए तत्पर हुए। पुत्र ने उन्हें पुरुष सहस्र वाहिनी शिविका में बिठाकर महान अर्थ व्यय वाला महोत्सव कर दीक्षित करवाया। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि अगर दीक्षा ही लेनी है, अगर संसार ही छोड़ना है तो उत्सव क्यों। अब आप भी देखते हो ना, साधु साध्वी दीक्षा लेते हैं तो उससे पहले उनको क्या करते हैं, तो सजाया जाता है, दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संसार को ये दिखाया जाए कि कितना कुछ इसने त्याग किया है, ताकि किसी और की आत्मा भी जागृत हो सके। तो यहाँ भी उनके पुत्र ने महान अर्थ वे वाला महोत्सव करवाया और अपने पिता को दीक्षित करवाया। अब मकाई गाथापति मकाई अणगार बन गए और इरिया समिति युक्त, इरिया समिति होती है कि चलते समय को अच्छी तरह देख कर चलना,
कई लोग चलते गए ना तो ऐसे फटाफट चलते गए कि पैर के नीचे कुछ आ रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। पर प्रभु ने कहा चलो तो 3.5 आठ प्रमाण वो देख कर चलो कि आगे चलने से कोई कीड़ी मकोड़ा कोई जीव मेरे पैर के नीचे आकर तो नहीं मर रहा। तो यहाँ पर भी मकाई गातापति ने इरिया स्मृति युक्त यावत अष्ट प्रवचन माता की साधना करते हुए विचरण करने लगे और तथा रूप सब लोगों के पास मकाई अणकार ने सामायिक आदि 11 अंगों का अध्ययन किया, भिक्षु प्रतिमाओं का पालन किया, गुण रतन संवत्सर तप कर्म की आराधना की, स्कंदक के समान सारा वर्णन जान लेना चाहिए, 16 वर्ष की श्रामण पर्याय का पालन किया और विपुल गिरी पर्वत पर संलेखना संथारा करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। दूसरे अध्ययन का प्रारंभ सारा वर्णन मकाई के समान जान लेना चाहिए। विशेषता ये है कि इस अध्ययन के नायक किम किम अंगार थे, शेष सारा वर्णन एक सरीखा है। द्वितीय अध्ययन समाप्त हुआ, 6 वर्ग का 3 अध्ययन प्रारंभ हो रहा है। तच्च सुखे व्यो एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम समयनम राय गिये नयरे गुण सीलिए चलिए सेनिये राया चेलना देवी तत्नम बारवी नेरे अज्जो नय नाम गाहवई परिवसई माला गारे परिवसई अड्डे जावा परिभुए तस्नम अजुनस मालागार बंधुमय नामम भार्या होता सुकुमार पानी पानी पाया तस्नम अजुनस मालागार राय गिहस नेर भैया एक नम महामेघे कुफा रामे होता किन्ने जाओ निकुम्भ प्रभुए दशद वन कुसुम कुसुमिये पासाइए दरिश नीचे अभी रुए पड़ी रुए तत्नम कुफा रामस अधूर सामंते तत्नम अजुन्नस मालागार अजय पजय पी पजय आ गए अनेक कुल पुरिस परंपरा गए मोगल पानी जख जखायने होता पुराने दीवे सच्चे जहा पुनबदे तत्नम मोकर पानिस परिमा एकम महम पल सहस निफन्नम अयोमय मोग्रम गहाय जिठई। तीसरे दिन का प्रारंभ होता है सुधर्मा स्वामी जब जम्बू स्वामी ने पूछा कि हे भगवान 6 वर्ग के 3 दिन का प्रभु महावीर ने क्या भाव फरमाया है आप कृपा करके बताइए, तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू उस काल उस समय में राजगी नामक नगरी के बाहर ईशान कोण में गुणशीलक नामक उद्यान था, वहाँ के नरेश श्रेणिक महाराज के चेलना नामक रानी थी। उस राजगी नगर में धनाढ्य वैभवशाली यावत किसी से पराभूत नहीं होने वाला अर्जुन नामक माली भी निवास करता था। उसके बंधुमती नामक भार्या थी जो बहुत खूबसूरत थी बहुत सुंदर थी और पति की आज्ञाकारिणी थी। अर्जुन माली की मालकी में एक बहुत बड़ा फूलों का बगीचा था जो राजगृह के बाहर अवस्थित था, यानी अर्जुन माली का एक बगीचा था जो राजगृह के बाहर स्थित था। वह बगीचा दूर से बहुत रमणीय दिखाई देता था, बहुत सुंदर वो वाटिका थी। जो भी कोई राजगृह में आता तो पूछता कि कोई देखने वाली चीज़ है तो बताओ, तो सब अर्जुन की उस पुष्प वाटिका का नाम लेते। वो पुष्प वाटिका मानो नंदन वन के समान थी। उस अर्जुन मालागार का उस राजगृह के अंदर बहुत नाम था, बड़ा रुतबा था, वो बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी था और उसका बगीचा भी बड़ा सुंदर था, जैसे राष्ट्रपति का मुगल गार्डन था। या मुगल गार्डन जिसने देखा है वो जानता है कि राष्ट्रपति का मुगल गार्डन वो बहुत सुंदर है। इसी प्रकार ये अर्जुन का वाटिका उसका गार्डन भी बहुत सुंदर था। उस बगीचे के पास ही मुदगर पाणि यक्ष का बहुत प्राचीन प्रसिद्ध और लोक आस्था का प्रतीक यक्षायतन था। अर्जुन माली के पिता दादा पर दादा आदि अनेक पीढ़ियाँ उस यक्ष की भक्ति करती आ रही थी। उस मुदगर पाणि यक्ष की प्रतिमा के हाथ में 1000 पल का यानी 62.5 किलो का इतना भारी लोहे का मुदगर था, अतः उस प्रतिमा को मुदगर पाणि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त थी।
लोक दृष्टि में पूर्ण भद्र यक्षायतन के समान वह मुद्गर पानी यक्षायतन भी बहुत पूजनीय और बहुत सम्मानीय था। तेनम से अर्जुन ने मालागारे बाढ़ पहिये भय चे मोकर पानी जकस भत्ते यावी होता कला कले पच्ची पिणगान गिनता सह गिहाव ने राव पढ़ निकमई पर निकता जिन्हें पुफा रामे तने उवा गचई उवा गचिता पुफु चेयम करे गिरीता अगाए वराए पुफाए गहाए गईता जिन्हें मोकर पानी जकाए ने तने उवा गचई उवा गचिता मोकर पानी जकर मह रही पुफ चेनम करे गिरीता जानो पाए पढ़िए प्रणामम करे गिरीता तेयो बच्चा राय मगनसी विक्तिम कप्पे माने भी रही। अर्जुन मालागार बचपन से मुदगर पानी यक्ष का परम भक्त था। जैसे आज हम देखते हैं कि अपने कुल देवता होते हैं, आजकल कितनी मान्यता हो गई ना कुल देवताओं की, और सब अपने कुल देवी और कुल देवता को मानते हैं, इसी प्रकार अर्जुन मालागार के कुल देवता कौन थे? वो मुदगर पानी यक्ष थे। उनकी कितनी ही पीढ़ियाँ मुदगर पानी यक्ष की आराधना कर रही थी और अर्जुन मालागार भी बचपन से मुदगर पानी यक्ष का परम भक्त था। उसकी दैनिक चर्या थी कि वह सुबह फूल भरने की चाबियाँ लेकर राजगृह से निकलकर बगीचे में आता, फूल चुनता, शेष विकसित कुछ फूलों से यक्ष की प्रतिमा की पूजा करता, घुटने और मस्तक नवाकर उन्हें वंदन नमस्कार करता और कहता कि आप आज तक आपने हमारे खानदान की रक्षा की है, आगे भी करते रहना। इस तरह प्रार्थना करता, आरती उतारता, धूप बत्ती करता और बाद में किसी काम पर जाया करता था। इस प्रकार करके फिर राजगृह पर जाकर वो फूल बेचता और आजीविकोपार्जन किया करता था। तथनम राय के नेरे ललिया नामक गोटी परिवसई अड्डा जाव आपरिभुआ जम कई सुकया जावी होता। उस राजगृह में ललित नामक उदंड मित्र मंडली थी। ललित नामक उदंड मित्र मंडली कैसे कि छह व्यक्तियों की एक मंडली थी, जैसे ग्रुप बना हुआ था, पर वो ग्रुप कैसा था? उसे उसने किसी समय राजा का कोई काम किया, राजा खुश हो गया और राजा ने कहा कि तुम जो भी करो वो कर सकते हो, तुम्हें राजा की तरफ से आज्ञा गए। अरे ऐसी आज्ञा मिल जाए तो कोई तो अच्छे काम करना शुरू कर देता है, कि मुझे राजा ने कहा गए तो अच्छे में काम करता हूँ। पर कहीं कोई ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं कि अगर आज्ञा मिल गई तो दंडता पर उतर आते हैं। तो ये छह ललित पुरुष जो थे वो भी ऐसे ही उदंड थे, वो पक्के मित्र थे, वो अच्छा बुरा या भला बुरा वो कुछ नहीं समझते थे, जो उनके मन में आता था वो वही किया करते थे। तेनम राये नेरे अन्य कैंप मोए गुट्टे यावी होता। तेनम से अर्जुन ने मालागारे कलम पबुए तराई कुफेलिंग कज मिती कट्टू पच्चू सकाश समयंसी बंधु मये बारियाए सदी बच्ची है पिंड गाय गिनई गिनता स्याव प्याव पढ़ निकमई पढ़ निकमिता राय गियम नेरम मज्जम मजेनम निकचे निकचिता जने पुफा रामे तने उवा गचई उवा गचिता बंधु मये बारे सदी कुफ जयम करी। किसी समय क्या हुआ कि राजगृह नगर में किसी सार्वजनिक उत्सव की आयोजना की गई कि नगर के अंदर कोई त्यौहार आने वाला है, तो अर्जुन ने विचार किया कि त्यौहार के कारण ये उत्सव के कारण कल मेरे फूल ज़्यादा बिकेंगे, अतः अधिक फूलों को चुनने के लिए उसने बंधुमती भार्या को भी साथ ले लिया। होता है ना जब सीज़न होता है आप लोगों का भी, तो आप भी क्या करते हैं है ना, अपने वाइफ को भी क्या करते हैं अपनी दुकानों पर ले जाते हैं, क्योंकि सीज़न चल रहा है तो ग्राहकों से निपटने के लिए जितने लोगों उतने कम गए। तो यहाँ पर भी अर्जुन मालागार ने क्या किया, अपनी पत्नी बंधुमती भार्या को भी साथ लिया और बगीचे की ओर निकल गया और दोनों फूल चुनने लगे। अब फूल चुनते चुनते क्या घटना घटेगी और कैसे वो छह ललित पुरुष उन्हें तंग करेंगे और कैसे बात होगी, आप आएंगे सुनेंगे तो जान पाएंगे। आजा। आजा।
कल दोपहर को प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक यहाँ बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के क्षणों में प्रमुदित होकर आनंदित होकर मंगल गीतों के साथ मनाया गया और सबको कल भी और आज भी पुणे में बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि कल दोपहर के समय भी हमारे सभी भाइयों ने और बहनों ने यहाँ की रौनक को बढ़ाया और इन दिनों के अंदर हर मेरा परिवार धर्म ध्यान के अंदर और तप के अंदर लगा हुआ है। मैं देख रही हूँ सामने मेरी बहन छोटी सी बच्ची की कह दूँ झील बैठी है, खड़ी हो जाए बच्चे एक बार आप देखिए, ये बच्चा जो दिल्ली पढ़ रहा है पर सुना इसने कि मेरी मम्मा क्या कर रही है, तपस्या कर रही है, तो इसके भी भाव जगे और इसकी मम्मा कह रही थी महाराज साहब इसको तो खाने का बहुत शौक है, होता है बच्चों को है ना, लेकिन देखिए वहाँ रहते हुए भी इसने तपश्चर्या की और आज इसका भी छठा उपवास है, चुबियारी भिक्षा उपवास है। तपस्या करने वालों को वैसे देखा जाए तो ये दिन ही ऐसे होते हैं जिन घरों के अंदर धर्म के संस्कार होते हैं तो ये दिन ही ऐसे होते हैं कि मन के अंदर ऐसे जरूर करना चाहिए, तो बहुत साधुवाद है, बहुत शाबाश है इस बच्ची को जो वहाँ रहते हुए, मेरा ख्याल कल ही आई है, देखिए चार दिन पांच दिन रहकर कल शाम को यहाँ पहुँची और देखिए वहाँ रहते हुए भी इसने कैसे तपश्चर्या को अंगीकार किया और हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ 24 घंटे का अखंड पाठ चल रहा है और मुझे लगता है सुबह की ड्यूटियाँ मेरी बहनें और आपके भाई अच्छी तरह निभा रहे होंगे, ठीक चल रहा है रात का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मेरे सभी भाई बहन समय पर पहुँच कर और जो नहीं भी पहुँच पाते कि वह गुरुओं का हाथ होता है और मैंने देखा है कि गुरनी जी महाराज साहब के सानिध्य में जितनी तपस्या होती है वो बहुत सुख की समाधि हो जाती है और अभी कल भी मेरी भाई नीतीश जी उसका आज छठा उपवास है, कल उसका पांचवा उपवास था और रात के समय हमारे पास समाचार आया कि महाराज साहब इसको हिचकी नहीं रुक रही, पांचवा उपवास है हिचकी नहीं रुक रही, रात का समय आप क्या करें, एक घंटा हो गया इसको हिचकियाँ आ रही हैं, इससे इसके पूरे बदन में दर्द हो रही है, तो हमने कहा कोई बात नहीं मंगल पाठ सुन लो और आज उसकी मम्मी ने आकर बताया कि महाराज साहब गुन्नी जी ने अभी मंगल पाठ शुरू ही किया था कि उसकी जो हिचकियाँ एक घंटे से नहीं रुक रही थी वो उसी समय रुक गई, कहाँ है उसकी मम्मी, यही बात बताई, आप देखिए ये गुरुओं का कमाल होता है, ये गुरुओं के पाठ का कमाल होता है, अब भी जो मेरे भाई बहन चाहे कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं यहाँ अलग अलग उपनगरों से लेकिन वो गुन्नी जी महाराज साहब का मंगल पाठ सुनने यहीं आते हैं कि महाराज साहब चाहे हम इधर नहीं आ पा रहे क्योंकि दूर बहुत है, हम कहीं और चाहे कहीं पे भी वो शास्त्र वाणी सुन रहे हैं पर मंगल पाठ तो आपसे ही सुनना है और पानीपत के अंदर हमारी बहन सुमन जैन जो इतनी लंबी तपस्या केवल किसके सिर पर कर रही है कि गुन्नी जी महाराज साहब का उसको आशीर्वाद मंगल पाठ के रूप में मिल रहा है और वो अपने 82वें व्रत की तरफ गति मान गए और आज उसके लगभग आज 66 व्रत उसके हो चुके हैं। तपस्या करने वालों को और उसकी तो ऐसी भावना बन रही थी कि महाराज साहब मैं पारना यहाँ आके डालूंगी, हमने कहा नहीं 82 व्रत बहुत बड़ी बात है क्योंकि गुन्नी जी महाराज साहब 82 वर्ष के हो गए तो उसकी ऐसी भावना बनी कि गुन्नी जी महाराज साहब को मैंने 82 व्रत करके गुन्नी जी महाराज साहब के प्रति मंगल कामना मैंने देनी है, तो ऐसे गुन्नी जी महाराज साहब की प्रेरणा से जो भी तपश्चर्या चलती है वो सुखे समाधि हो जाती है। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रविवार को मैंने क्या करवाना है, समझ गए ना आप, हाँ, और वो पोषण तो गुन्नी जी के सानिध्य में ही होगी तो कोई भी ऐसा मत समझना कि अरे नहीं होगी नहीं हो सकती कभी नहीं की, अरे कोई बात नहीं कभी नहीं की तो कभी शुरुआत तो करनी है ना, तो वो गुरुओं के चरणों में हो जाएगी तो इससे बड़ी क्या बात बनेगी, तो आज से केले भी शुरू हो रहे हैं, किसी ने किया केला शुरू,
हाँ से हमारी बहन, कई हमारी बहनों ने देला शुरू किया दे, इनका देला है पचकार करावे। और जिन जिनकी व्रतों की अठाइयाँ चल रही हैं, मैं नाम की दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि किसी का भी नाम रह गया हो तो आज लिखवा दे, ताकि समाज को व्यवस्था करने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे कुशावक श्री हजारी लाल जी, वो भी जो बिहारी अठाई कर रहे हैं, और आज उनका भी छठा दिन है। श्री संजीव जैन, श्री तरुण जैन, श्री रजत जैन, नितेश जैन, रॉबिन जैन, दर्शना जैन, अंजू जैन, सीमा जैन, पूजा जैन, कलिका जैन, राहुल जैन, अंकिता जैन, शील जैन, स्वाति जैन, रिधिमा जैन, रूली जैन, कशिश जैन, और कोई नाम किसी का रह गया हो, सभी मेरी बहने या भाई अपने छठे व्रत का पचकान ले लेंगे। बैठे बैठे ले लो, नहीं उठा जा रहा तो ठीक है ना, जो उठा उठ सकते हैं शाबाश। हाँ आशु भाई छठा उपवास, कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं कि दूसरों में करना है, उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तपस्या करने वालों को जिनकी आई मिल की तपस्या है, हमारी बहन सोनिया जैन खड़े हो जाए सब, सोनिका जैन, अंजू जैन, अब महक जैन, शीनम जैन, अंशु जैन, महावीर जी, आज हमारे यहाँ आंगिलों की अठाइयाँ चल रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। आंगिल के अंदर भी पूरा उपवास आता है, और आंगिल का खाना तो व्रत के, व्रत तो व्रत ही है, तपस्या करने वालों को और जिनकी काशने चल रही हैं, चाहे सिद्धि तब के अंदर या अब शुरू किए गए या लगातार चल रहे हैं, वो सभी काशने का पचकान भी ले लें। तपस्या करने वालों को तेल के भाव रखने वालों को धन्यवाद। और हमारे समाज ने एक और फैसिलिटी आपको दी है, जो पहली बार हमारे सैनिटरी होगी, क्योंकि संवत्सरी वाले दिन हम तो चाहते हैं कि ऊपर रसोड़ा ना चले, वो इन्होंने भी हमारी बात को माना, पर इनका ऐसा भाव है कि महाराज साहब जो हमारी बहनें पोषित करेंगी, उनके बच्चे अगर काशना करना चाहते हैं तो बहनें तो पोषित करने से रह जाएंगी, तो इसके लिए जो भी काशने करेगा या ब्यासने करेगा, उनके खाने की व्यवस्था समाज के हमारे परवीन भाई ने संभाली है, तो जो भी बच्चे या जो भी बहनें जो पोषित नहीं कर सकती, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं या किसी भी कारण से, तो वो काशने की दया कर सकते हैं। दया मतलब काशना करेंगे पर सारा दिन वो साध्वी या साधु के जीवन में वो यही रहेंगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी वो काशने की दया करने गए या ब्यासने की, वो अपना नाम लिखवा दें, ताकि भैया के द्वारा व्यवस्था ठीक तरह हो सके। और कोई दोपहर के समय कल्पसूत्र की वाचना, और रात को प्रतिक्रमण सुचारू रूप से चल रहा है, तो हाँ तो सबने आज कल्पसूत्र श्रवण करने के लिए और प्रतिक्रमण करने के लिए जरूर यहाँ पहुँचना है। और कल दोपहर की सभा के अंदर, जैसे कल हमने महावीर जन्म कल्याणक मनाया, ऐसे ही कल मेहंदी की रस्म होगी, तो यहाँ शायद पहली बार, क्योंकि चतुर्मास हो रहा है तो पता भी नहीं, तो मेहंदी से उन्हीं की वो ही नहीं लगवाते जिन्होंने, जिनके घर नई शादी गए या बच्चा हुआ है, बल्कि जो तपश्चर्या कर रहे हैं वो भी मेहंदी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहन मंजू जी से बात हुई तो वो कहते महाराज जी हमें तो पता ही नहीं, तो मैं बता दूं कि जो सिद्धि तप कर रहे हैं, जो अठाई कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अगर वो भी मेहंदी चढ़वाना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब हमारे सेक्रेटरी साहब सूचना देंगे और उसके बाद मंगल पाठ। और जो जो मेरी बहनें सिद्धि तप कर रही हैं और यहाँ पे हैं, वो अपना नाम बहन मंजू जी को लिखवा दें, सिद्धि तप वाली बहनें अपना नाम मंजू जी को लिखवा दें, क्योंकि सिद्धि तप बाहर से भी बहुत हो रहे हैं, लगभग 50-55 सिद्धि तप गुनी जी मां साहब की प्रेरणा से चल रहे हैं, तो यहाँ जिनका सिद्धि तप चल रहा है और अभी यहाँ उपस्थित है, वो अपना नाम बहन मंजू जी को लिखवाने का प्रयास करेंगे। आज वहाँ पर मिशन का छठा दिन और आप सभी को इस पावन दिवस की बहुत
बहन तपस्या कर रहे हैं, सभी के तप की बहुत बहुत शुभ साधन होते हैं, अनुमोदना करते हैं। और उसमें सर्वप्रथम नाम हमारे सभा के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी, जो कि निरंतर सामाजिक सेवाएं तो दे ही रहे हैं, साथ में तपस्या भी कर रहे हैं। तो जब से चातुर्मास प्रारंभ हुआ है तब से लेकर के अब तक तपस्या और एकाशने के साथ लगभग 47-48 दिन और उनकी तप की शुभ साधा पूछते हुए और मंगल कामना करते हैं सभी तपस्वियों के तप की साधा बनी रहे, जिन शासन देवी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और सभी तप की साधा में रहें। आज की रीपर भावना का लाभ श्रीमती सविता जैन, गुरु भक्त हर्ष जैन, अंशु जैन, महावीर जैन, मेहुल जैन परिवार, मैसेस वर्तमान क्लियर। दूसरी पर भावना श्री राकेश जैन, राधिका जैन, मनीष जैन, निशा जैन, उन्होंने शादी की सालगिरह आज की एनिवर्सरी है तो उस उपलक्ष्य में दी है। तीसरी पर भावना यूएसबीसी जैन स्कूल चंडीगढ़ और लुधियाना, जब से मंचन हुआ है यूएसबीसी जैन स्कूल भी महाराज शिव जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भावना रखने लगा है, तो आज उनके परिवार की तरफ से यूएसबीसी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी आज एक भावना रखी गई है। तो सभी समय पर आए, सभी ने कूपन लिए हैं और जिन्होंने कूपन लिए हैं आज बारिश की वजह से कुछ रौनक कम है, जो भाई नहीं आ पाए, बहने नहीं आ पाए, 7 कूपन जो है वो हमने देने थे, उसमें 6 कूपन कंसिडर किए जाएंगे। जिनके पास 6 कूपन है उनको भी प्राइज दिया जाएगा, इस बात का विषय ध्यान रखें। तो 1 कूपन किसी भी कारण वंचित रह गया पूरे 7 दिनों में या आज के दिन के उपलक्ष्य में रात बारिश की वजह से संख्या कम है, तो उनको 7 कूपन में से 6 कूपन जो है कंसिडर किए जाएंगे, इस बात का विषय ध्यान रखें। और सभी 6-7 कूपन जो भी लेकर के आए वो समस्त महापर्व वाले दिन रविवार को आते ही जब एंटर करें तो अपना पुरस्कार ले सकते हैं, ताकि बाद में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बाहर से पधारे सभी भाई बहनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है, जो उपनगरों से पधारे हैं, बाहर से पधारे हैं, उनके जलपान भोजन की व्यवस्था बाहर है, ऊपर के तहत भोजन और नाश्ता लेकर के जा रही है। जिन्होंने पोषण नहीं कर पाए तो दया का भाव अवश्य रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। नमो हरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आचार्यानं नमो जयनं नमो वेतसाहुनं नमो नामेश नमो दंशनेश नमो चैतस्य नमो तवस्य ओम सिद्धा नमो सिद्धा जय सिद्धा विजय सिद्धा सिद्धा सिद्धिंगवां सिद्धंतु नम्यो नाशो सुरगर्भयां परिवंदिये गैक्लेशे हरिये सिद्धा हरिये उज्जयतसाहुनं श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिकनकोदम मंगलम चतारि दुगुप्तमा अरिहंता दुगुप्तमा सिद्धा दुगुप्तमा साहु दुगुप्तमा केवलिकनकोदम दुगुप्तमा चतारि संपवज्जे अरिहंता संपवज्जे सिद्धा संपवज्जे साहु संपवज्जे श्री केवलिकरुप्त्यागं संपवज्जे अरिहंत शरणम श्री सरना सा सरना श्री केवली करू त्याग शरना ये सा।